हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं दम ब्लॉगर इमरा। तो आज है संडे, मतलब ये वीडियो कल मंडे को पड़ेगी कि ट्यूसडे को पड़ेगी, आई डोंट नो कि कब। लेजी तो है ही हैं हम, और बस रिकॉर्ड कर ले रहे। संडे की रात की है और ये सुबह बना रहे थे। खाने का दिल कर रहा था तो इरादा तो नहीं था कि हम वीडियो शूट करेंगे, पर व्लॉग के लिए हम शूट कर ले रहे हैं। चलो कोई नहीं, व्लॉग के लिए वीडियो एकदम अलग अंदाज से शूट होती है और मोबाइल हाथ में ले वे के हो जाती है शूट। तो एग सैंडविच बना रहे हैं, लेकिन जब कुकिंग के लिए चैनल पे हमें वो अपलोड करनी होती है ना, तो उसकी हम वीडियो ही शूट अलग अंदाज से करते हैं। मतलब बड़ी हर चीज़ नज़ाकत से लेना देना रखना, प्लेट ये वाली ना आ जाए, स्टील वाली ना आ जाए, तो इस तरह का हिसाब किताब रहता है। और व्लॉग में तो ये बिल्कुल नहीं रहता। व्लॉग में पता नहीं क्यों हमें बिल्कुल भी ज़रा भी शर्म नहीं आती, या बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ऐसा लगता है घर के ही फ़र्द को दिखला रहा है वीडियो, और हर घर में ऐसा ही होता है। और बस इसलिए तो हमने सारे ब्रेड पे मक्खन लगा लिया है, और प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है, अंडे को भी इस तरह से काट लेना है, और हरी मिर्ची धनिया है, और चिली पाउडर भी साइड में रखा हुआ है। तो आज हमने ट्राईपॉट लगा लिया था, हमने कहा कि लाओ आज व्लॉग की भी तो थोड़ी सी ढंग से शूट कर लें। तो इसको शूट तो किए, उसके बाद फ़ोटो बहुत अच्छी आ गई थी, तो हमने सोचा लाओ कुक विद लिमरा चैनल पे भी वीडियो अपलोड कर दें। तो हम ब्रेड पे रख लिए हैं टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज। हर बार मेरे साथ ये होता है, हम जब सैंडविच इसको रखते हैं ना, सजाते हैं, तो कैमरा मेरा सही नहीं होता है। फर्स्ट टाइम भी जो मेरे कुक विद लिमरा चैनल पर वीडियो पड़ी इसी तरह की है। और इस पर सॉल्ट छिड़क देना है, और मिर्ची पाउडर और हरी मिर्ची आपको जितना लेना हो। तो बहुत इजी सैंडविच है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना होता, बहुत टमेबाजी नहीं करनी होती है, तो बहुत टेस्टी बनती है ये। और ये एक बॉयल एग इस तरह से रख देना है पतली सी पीस करके, और जो दूसरा ब्रेड रखा है हमने उस पर भी मेयोनीज लगा दिया था और तवे को हीट कर लिया, और इसको इस तरह से सेक लेना है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है ये, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। हम सोचे हम अपने व्लॉग के चैनल पे कोई मुकम्मल रेसिपी जल्दी देते नहीं हैं, मतलब जो भी उठाया बनाया और वीडियो मतलब अपलोड कर दिया। तो व्लॉग के चैनल में बहुत अच्छा लगता है, और जैसे लगता है हम आप लोग से बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं और हम उनसे एकदम घरेलू अंदाज में बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह का लगता है। और कुकिंग में हम इतना बोल नहीं सकते ना कुकिंग वाले चैनल पे। तो ये वीडियो देखिए कितनी लंबी हो रही है, 2 मिनट हो गया, और कुकिंग वाले चैनल पे हम बस ज़रूरी बातें करके बस आप ये ऐड करिए और ये हो गया। तो 1 मिनट की शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी, और ये मिन्सू के लिए हम बना रहे थे, खाली मेयोनीज लगाया था और एग रख दिया उस पर, तो ये दे दिए उनको और बहुत परेशान करती है। तो इसी तरह से हमने सारे सैंडविच वो कर लिया है और बना लिया है। और दूसरी बात यह है कि मेरे कुक विद लिमरा चैनल पे भी एक सैंडविच की रेसिपी पड़ी है, सैंडविच की 2 रेसिपी पड़ी हुई है शायद, और उसमें एक सैंडविच है लेज़ी सैंडविच, तो बहुत ही इजी है वो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल देंगे, आप लोग उसे फुल वॉच करिएगा, देखिएगा लेज़ी सैंडविच कैसी है। तो देख सकते हैं फ़ोटो इतना ज़बरदस्त आया था ना, मतलब कि इसकी वजह से हमने वीडियो को शॉर्ट में अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। बस चलो ढंग से एक एडिट वेडिट कर देंगे, इधर उधर का कट पिट करके, और कोशिश करेंगे। तो इतना सारा फ़ोटो हमें खींचना पड़ता है, मतलब हमें फ़ोटो खींचने का बहुत ज़्यादा हौका है। जब तक अच्छा नहीं आ जाता, बेस्ट नहीं आ जाता, तब तक हम फ़ोटो खींचते रहते हैं और डिलीट बहुत कम करते हैं। तो भाई रेसिपी बन जाने के बाद देख सकते कितना फैला हुआ है, तो एक सैंडविच में इतना ज़्यादा फैला हुआ। तो बस यही होता है, मगर व्लॉग में ना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है सब दिखाते हुए, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। आप लोग हमें तो ज़रूर अंदर से अंदर बुरा भला कह रहे होंगे कि यार कितनी लापरवाही है, ये है वो, इतने सारे बर्तन निकाल दी। तो खैर सबका अलग अलग, हर कोई परफेक्ट नहीं होता ना हर चीज़ में, तो बस जो भी समझ लें आप लोग। तो बस अगर आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं फुल, तो दिल से शुक्रिया। और ये अब हम खाने बैठ गए, सबको हम दे चुके थे समाधान, सब लोग खा चुके थे, ये लास्ट की मेरी थी, तो लास्ट में हम अपनी यही प्लेट में खाते ज़्यादातर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।